A very good morning everyone and welcome to our channel Travel and Taste. My name is Sumit. आज हमारा है तीसरा दिन हमारे सिक्किम ट्रिप का और आज हम आपको ले चल रहे हैं पटना से रोंगली. बज रहा है सुबह के 7:50 और हम लोगों ने अपना होटल छोड़ दिया है और अब हम सीधा पटना के खाली खाली रास्तों को पकड़ते हुए जल्दी से निकल रहे हैं पटना से बाहर, क्योंकि तो सिटी के ट्रैफिक में नहीं फंसना चाह रहे थे हम लोग. अगर आपने हमारा पुराना वीलॉग नहीं देखा है प्लीज़ इससे पहले वाले वीलॉग से आपको दिखाई देगा हम पुणे से ग्वालियर होते हुए पटना कैसे पहुँचे, कौन सा रूट लिया, क्या टोल टैक्सेस थे, कितना डीजल लगा, कहाँ कहाँ पे खाने पीने की जगह है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी और यहाँ पर आपको मिलेगी कि पटना से आगे कैसे जा रहा है आपको सिक्किम जा रहे हैं. तो आज का पूरा डिस्टेंस जो दिखा रहा है दैट विल बी अराउंड 560 किलोमीटर्स और गूगल माता बोल रही है हम रात को 10 बजे तक पहुँच जाएंगे. बाकी हमने ब्रेकफास्ट अभी करानी है, चाय वाय पीनी है, अभी हम आगे कहीं रुकवाएंगे और गाड़ी में डीजल भी भरवाएंगे. पटना के बाद हम अभी मुजफ्फरपुर के रास्ते में हैं तो वहाँ पर रास्ते में एक जगह पड़ती है सोनपुर, वहाँ पर हमें पेट्रोल पंप मिल गया इंडियन ऑयल का, तो वहाँ से डीजल टैंक फुल करा लिया है. 48 लीटर डीजल आया है, यहाँ पे 94 चल रहा है डीजल का प्राइस और टोटल पड़ा 4557 रुपीज़ का. आपके जो ये अगर आप इस रास्ते पर आ रहे हैं तो इंडियन ऑयल आपको मैप में दिख जाएगा, हालांकि इंडियन ऑयल आपके तो अगर आप मुजफ्फरपुर की तरफ जा रहे हैं तो आपके राइट में पड़ेगा. तो आपको एक डिटोर लेके आना होगा, थोड़ा सा कट लेके आना होगा बेसिकली. यहाँ पर एक और गंगा जी होंगी, उन्हीं का ही बार फिर से एक बार हम दर्शन लेते हुए. We'll be right back.
टाइम हो रहा है 9:29 और हम लोग मुजफ्फरपुर पहुंच गए हैं। बिहार धीरे धीरे जगने लगा है तो और ट्रैफिक भी सड़कों पर आ रहा है। सो यहाँ से हमें नेशनल हाईवे मिल जाएगा टुवर्ड्स सिलीगुड़ी भगवानपुर। पीछे हम लोग था एक चौक क्रॉस किया, उसका नाम था गोबर चौक और बैरिया बस स्टैंड। नाम इतने मजा आ रहा है ना सुनने में, पढ़ने में फनी हो रहे नाम बिल्कुल। फिलहाल ब्रेकफास्ट स्नैक्स का आगे देख रहे हैं, अभी कहीं मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो भूख सहेंगे थोड़ी सी और क्या करेंगे, कुछ कर ही सकते। अभी सुबह ही, अभी तो 9:30 है, थोड़ी देर दोपहर शाम में क्या होता होगा यहाँ पर, बाप रे। हमें जा रहा है ये वाला रास्ता ना। अरे अरे दीदी हमका भी जाने दई दई दई। 9:45 और हम लोग मिल गए NH 27 पे। अब हमें यही हाईवे पकड़ के चलना है कहाँ तक, सोचो सिलीगुड़ी तक। करेक्ट, ये रास्ता हमें लिखा जाएगा सीधा वेस्ट बंगाल, फिर सिक्किम, और हम भूखे भूखे चल रहे हैं, भगवान नाश्ता करा दो बस। वेदर जो है वो क्लाउडी है, बारिश नहीं हो रही है, और ऐसा लग रहा है कि पिछले 20 किलोमीटर से जब गाड़ी चला रहा था मैं, ऐसे कभी कौन से भयंकर मार्केट में था और एकदम से खाली आ गया है ना। सो हमने रोटी शोटी में ब्रेकफास्ट और अर्ली लंच भी कर लिया है, यहाँ पराठे मिल गए, पनीर के पराठे, ब्रंच पनीर के पराठे, और चाय पी ली 2-2 कप, पेट पूरा फुल हो गया। अब हम कहीं लंच कर तो नहीं रोकेंगे, आगे चलते हैं। बाकी स्ट्रेच का एक यही प्रॉब्लम है कि अगर आप फैमिली के साथ में कर रहे हैं सफ़र और आपको वॉशरूम भी चाहिए सही साफ सा, तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। अभी तक तो हमें इस स्ट्रेच पे, जब से हमने मुजफ्फरपुर से कर पकड़ा है, तो ये पहला ढंग का रेस्टोरेंट मिला था हम लोगों को। इट वॉज ऑल्सो ओके ओके, मतलब थोड़ा सर्विस थोड़ी, हम लोग शायद पहले ही कस्टमर थे तो कह रहे पनीर पराठा ही मिल पाएगा, थोड़ा टाइम लगा उसके लिए, बट ठीक है, अब क्या करें, और कोई ऑप्शन नहीं था। दूसरा ऑप्शन था कि चाय पी और आगे बढ़ते रहे, तो वी थॉट ऑफ कि आगे भी रोकना ही पड़ेगा, तो इससे अच्छा यहीं रुक ही गए तो खा ही लेते हैं और फिर निकलते हैं। यहाँ से गूगल माता का टाइम बढ़ गया है, गूगल माता कह रही है अब 11 बजे तक पहुँचेंगे हम, और डिस्टेंस दिखा रहा है 403 किलोमीटर, टाइम हो रहा है 12, और गूगल माता बोले 10 घंटे 46 मिनट और लगेगा हमें रोंगली पहुँचने में। रोंगली सिक्किम में है। अगर आप इस स्ट्रेच पे कर रहे हैं ट्रैवल तो, और अगर आपके पास में टाइम 1-2 घंटे का, तो आप तो बेस्ट यही रहेगा कि आप अपने जहाँ भी पटना वट्टा जहाँ भी रुके होटल वोटल में वहीं पर ही ब्रेकफास्ट कर लीजिए, और थोड़ा सा हैवी ब्रेकफास्ट कर लीजिए ताकि आपको कहीं रुकना ना पड़े और स्पीड में चलते रहें। बाकी रोड्स अच्छी हैं, अभी बारिश का मौसम ख़त्म हुआ है तो थोड़ा बहुत रोड में गड्ढे आ गए हैं, बाकी तो नेशनल हाईवे है, अच्छा चल रहा है। लोकल ट्रैफिक भी है, ट्रक का ट्रैफिक भी है, लंबे रूट पे चलने वाले हम जैसे लोग भी हैं थोड़े बहुत। कल का स्टे जो था होटल ग्रैंड एम्पायर पटना, सो उसका वहाँ पर रुकने के मैं 2-3 फायदे, तो मैं एक्चुअली वो होटल इसलिए भी देखा था क्योंकि वो पटना के ऐसे ऐसे जगह पे था कि आप बाहर बाहर निकल भी जाओगे, ज़्यादा अंदर पटना सिटी में जाना नहीं पड़ेगा, प्लस इट इज़ अ नाइस होटल, वेरी नाइस होटल, आपने वीडियोस देखी लिए। और उस होटल में अगर आपको पहुँचने में लेट हो रहा है पटना, क्योंकि 11 बजे उनका रेस्टोरेंट बंद हो जाता है, तो आप पहले ही फ़ोन कर दीजिए उनको और उनको अपना खाना दे दीजिए। अच्छा, जिन लोगों को मेरी तरह चंपारण चिकन ट्राई करना है, तो प्लीज़ इस होटल में चंपारण चिकन नहीं मिलता है, देहाती चिकन मिल जाता है, तो वी ट्राइड दैट, और खाना बहुत अच्छा था कल का, बहुत टेस्टी, और कमिंग फ्रॉम महाराष्ट्र यहाँ के वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा फ्रेश है, तो यू कैन काउंट ऑन द फूड क्वालिटी, प्लस रूम्स वर ऑल्सो गुड, डिसेंट एसी था, एंड विंडोज विंडोज एंड एवरीथिंग, 4-स्टार होटल है तो सारी 4-स्टार अमेनिटीज थी, और बहुत ही कोटियर स्टाफ भी है, और पार्किंग के लिए, गाड़ी के लिए पार्किंग की जगह भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा गाड़ी को खड़ी करने में, और नीचे एक गार्ड रहता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है।
NH 27 छोड़ रहे हैं और अभी हम रास्ता ले रहे हैं किशनगंज की तरफ। हमसे ये कट एक्चुअली मिस हो गया था, सीधा चले गए थे और थोड़ा सा ध्यान रखिए कि लिखा हुआ है NH से ठाकुरगंज और किशनगंज जाने के लिए भारी, मतलब ये भारी वाहन तो हमारा है ही नहीं, मतलब कंपेरेटिवली हमारा हल्का वाहन है ट्रकों के मुकाबले। नेट यहाँ पे थोड़ा सा जियो का ऊपर नीचे हो गया था, जिसके से रीराउट दिखाया, मतलब इसने दिखाया कि हम गलत रास्ते पर 7 किलोमीटर आगे। हम वापस आए हैं स्ट्रेच लेकर और अब हम यहाँ से चल रहे हैं। NH 327 पकड़ा है हमने यहाँ से और ये ऐसे ही चलेगा अगले 100 किलोमीटर तक। गूगल माता ने जो टाइम बोली है अब बोली है 10:15 बजे तक पहुँचेंगे हम और 234 किलोमीटर्स है आगे। आपको अगर बाई चांस आपको अगर नहीं श्योर है कि आपने कट सही लिया नहीं लिया है गूगल मैप अगर आपको लगा जा रहा है, तो आपको ये 0 माइल पुलिस स्टेशन मिल जाए दिख जाएगा। देखिए 0 माइल पुलिस कैंप अररिया और सामने जोकीहाट और बहादुरगंज का रास्ता आपका माइलस्टोन आपको मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से ये एक माइलस्टोन है जिसको आप रजिस्टर कर सकते हैं अगर आप इन केस अगर आप किशनगंज का भी लगा हुआ है लेकिन वो शायद आधा बोर्ड मिटा हुआ है। और जिस तरीके से यहाँ का हाल है शाम से पहले ही करिए क्रॉस, क्योंकि यहाँ पे शाम को भयंकर ट्रैफिक होता ही होगा क्योंकि बाजार का इलाका है पूरा। नॉर्मली जैसे पहले मतलब छोटे गांव में होता है ना कि जहाँ पर मेन चौराहा है या मेन रास्ता है वहीं पर मार्केट लगता है सारा, क्योंकि सब बसें वहीं से जाती हैं, सब टेम्पोज एम्पोज छोटे गाँव की तरफ जाती है। तो बिल्कुल वैसे ही क्लासिक सिनेरियो। तो अभी चलते हैं इस स्ट्रेच पर, 110 किलोमीटर दिखा रहा है NH 327 सीधा स्ट्रेट। बाकी यहाँ से फिर हम बंगाल में एंट्री करेंगे तो आपको दिखाते हैं और दिखाते हैं ये रास्ता कैसा है। अभी तक जो हम NH 27 से रास्ते से आए मुजफ्फरपुर से लेकर यहाँ तक, रास्ता बहुत अच्छा है, बरसात है तो इसे थोड़ा बीच में पैचेज है, बट यू कैन ईजिली मेंटेन 80-90 की स्पीड अगर बड़ी गाड़ी है आपके पास, मतलब XUV या SUV है तो। लेकिन अगर आपके पास में सेडान है या फिर हैचबैक है तो थोड़ा सा आराम से गाड़ी चलाइएगा। तो हमने जहाँ पे 12 बजे स्टॉप लिया था हाँ। उसके बाद हमें कोई भी जगह नहीं मिली रास्ते में, विच इज अ गुड रेस्टोरेंट और अ रेस्टोरेंट। और ये तो लग रहा है सब, हाँ ये बरसात के बाद का पानी जो भर जाता है तो वही है। यहाँ का पुल शायद पूरा बना नहीं है इसलिए ये पुल बनेगा, हाँ इसको काट रहे हैं इसलिए बाहर वही लिखा हुआ था कि ट्रक व्रक अलाउ नहीं है, बस वस अलाउ नहीं है। काफी बड़ा जल भराव है, क्या लिख फ्लड अफेक्टेड एरिया, हाँ ड्यू टू फ्लड तो ये स्ट्रेच जो है पूरा ये फ्लड इफेक्टेड एरिया है और गूगल ने भी बोला था कि फ्लड अफेक्ट है, बट यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पर रोड को ये ऊंचा कर रहे हैं बिकॉज लगता है इसको देख के लग रहा है कि यहाँ पर फ्रिक्वेंटली ही रोड वॉश आउट होती है, क्योंकि बहुत जगह पे तो हम देख रहे हैं कि एक या दो दिन पहले ही रोड वॉश आउट हुई है और वहाँ पानी भरा हुआ पूरा। सो ये मेक शिफ्ट उन्होंने वो बना के रखे हुए हैं पूरा ही, ये मेरे तरफ से काम चल रहा है पूरा, लेकिन रास्ते में ये देखते हुए आ रहे हैं मिट्टी के टीले, ऊपर से क्रेन लगी हुई है सेटलमेंट के लिए। रात के वक्त तो ये जगह थोड़ा सा मतलब ये रोड अवॉइड ही कीजिए क्योंकि काफी रोड की हालत काफी खस्ता ही है
और पता नहीं रात को लाइट वाइट भी दिख नहीं रही है तो मुझे। हाँ वो तो है ही नहीं ऑब्वियसली बात है, कहीं कहीं काम बहुत जगह बंद नहीं है रोड, बट इसको दिन दिन में ही कवर करा जाए तो बढ़िया है। सो फाइनली आफ्टर 80 किलोमीटर्स 90 किलोमीटर एक्चुअली हमारी रोड अभी सर ठीक हो गई है, हम नॉर्मल रोड पे आ गए। वो स्ट्रेच पूरा बन ही रहा है बट उसमें बीच बीच में काफ़ी सेक्शन बन गया है, तो उससे मतलब जो भी आपका स्पीड हल्के हो रहा है यू कैन कवर इट, रिकवर दैट दैट्स लॉस्ट टाइम। ऑलराइट गाइस, सो वी हैव सेड गुड बाय टू बिहार, इट वॉज नाइस। और बंगाल में घुसते पहले मछली दी, और हाँ एक्चुअली हम बंगाल में आ चुके हैं, अब हमारे साइन बोर्ड्स भी बंगालीज में हो गए हैं, बांग्ला में हो गए हैं। बिहार अभी तक का बहुत अमेजिंग रहा हमारा, जो पे हम एक दिन आ डेढ़ दिन जो भी रहा, बट कुछ चीज़ें रह गई खाने के लिए, कुछ चीज़ें बनाने के लिए रह गई टेस्ट कर ट्राई करने के लिए, बट हम दोबारा आएंगे तो ज़रूर ट्राई करेंगे। अब हमारा जो सफ़र है रह गया है 100 किलोमीटर वाइज, बहुत कम रह गया है, 136 किलोमीटर ओनली। हाउएवर द टाइम विच गूगल माता इज सेइंग विल टेक इज 4 hours and 34 minutes एंड वी शुड रीच बाय 9:30 नाउ। अभी तक हमने सुबह जो 12 बजे याद है हमने जो ब्रेक लिया था, एक ब्रेकफास्ट अर्ली लंच ब्रेक जो हमने गोभी पनीर पराठे खाए थे, उसके बाद से हम कहीं नहीं रुक रहे हो, चल रहा हूँ लगातार 5 बजने वाले हैं। सो अराउंड 5 घंटे लगातार ड्राइव हो गई है, 350 किलोमीटर ड्राइव किया हमने। तो अभी मैडम कह रही है कि बागडोगरा पहुँच के ही हम चाय वाय पिए, ऐसा मैडम कह रही है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बागडोगरा लग जाए, नहीं तो फिर 5:30 बजे तक कहीं जगह रुकना पड़ेगा, क्योंकि फिर अंधेरा हो जाएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा चाय पीने का, है ना भाई। हैं सोनाली क्या बोलती हो, हैं सोनाली का वर्क फ्रॉम थार चल रहा है एज यूजुअल, अभी रोड अच्छी मिल गई है सोनाली बीच में सो गई थी रोड देख के, रोड बोली कि रोड तो खराब है, काम तो कर नहीं पाऊंगी, और ऐसे थार अंदर से हिल रही है तो नींद भी आ रही झोंके झोंके से, सो गई। It is 5:40 actually, and we have reached Siliguri. We are crossing Siliguri, and my God, what a traffic! मतलब शादी भी है कि शाम का time है, और actually road भी छोटी है, और भर के traffic है। वो सिलीगुड़ी आउटर में हम लोग रुक गए, और यहाँ से रोड पे आके एंड वी हैड आनंद ढाबा पे चाय फाइनली, और हमें ये रास्ते निकलना है अब। सो वी आर स्टार्टिंग नाउ, और गूगल माता बोल रही हैं कि हम पहुँचेंगे 9:42 तक, 80 किलोमीटर है। अब हम सीधा रुकेंगे अपने स्टे पर, यहाँ से पूरा घाट चालू है, रात है, जितना होगा उतना दिखाएंगे, और जितना नहीं होगा फिर हम आपको वापस आते वक्त दिखाएंगे। तो कलेश हो गया है,
और वो ये है कि आगे हो गया लैंडस्लाइड। और तो उन्होंने हमें दो ऑप्शन दिए, तो एक कि या तो सिलीगुड़ी में ही स्टे कर लो आज, पर बाद पास में एक अंकल थे उन्होंने हमें एक दूसरा रूट दिया है जो थोड़ा इलेबोरेटेड रूट है और थोड़ा अभी गूगल मैप के हिसाब से तो 6.5 घंटे दिखा रहा है पहुँचने में और स्टीप है ट्रावर ने बोला। तो ये जो रूट है अगर हमने सक्सेसफुली पहुंच गए रोंगली तो हम डाल देंगे, बट वो ये कि रास्ता अगर ज़्यादा स्टीप होगा या फिर ऐसा हुआ कि नहीं लग रहा है कि अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि भैया जाना चाहिए हमें रात में, तो हम वापस सिलीगुड़ी आके ही स्टे करेंगे। सो वी आर डूइंग एन अटेम्प्ट, वी हैव गुड अमाउंट ऑफ टाइम विद अस आल्सो, इट्स जस्ट 7:30। देखते हैं, अभी चलने से पहले हम लोगों ने सोचा कि डीजल ही पड़वा लेते हैं, क्योंकि अभी अगर आगे जैसे बोल रहे हैं कि स्टीप होगा या कैसा रास्ता होगा तो पता नहीं कितना एवरेज दे गाड़ी, और 4x4 भी लगाना पड़ गया अगर कहीं गलती से, तो फिर एवरेज गाड़ी फुल करा लिया चक्कर में, अराउंड 31 लीटर आया है डीजल, और यहाँ पे डीजल चल रहा है 92, सिक्किम में सस्ता है। अब आपको करते चलते हैं अपडेट। तो यहाँ से अब नेक्स्ट हमारा जो स्टॉप है, नेक्स्ट स्टॉप इन द सेंस नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज सिटोंग। आप चलते हैं, आपको भी रास्ता दिखाते हैं। रास्ता पूरा स्मूथ है, लेकिन जो एल्टीट्यूड गेन है पर टर्न, बाय द वे थार 4x4 में चल रही है, क्योंकि चढ़ाई बहुत स्टीप है। अराउंड 40 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद हम इस रोड से वापस आ गए हैं टूवर्ड्स सिलीगुड़ी। सो इस रास्ते पे कंटिन्यू करना बिल्कुल भी सेफ हमें फील नहीं हो रहा है, एंड विल नॉट सजेस्ट एनीवन टू टेक दिस रूट बिकॉज इट सीम्स दैट दिस रूट एट नाइट इज़ नॉट सेफ। अभी हमने सिलीगुड़ी में एक होटल बुक किया है एंड कल सुबह हम अपनी जर्नी फिर से स्टार्ट करेंगे टूवर्ड्स सिक्किम रोंगली। वी होप दैट जो मेजर लैंडस्लाइड नेशनल हाईवे पे हुआ है वो कल सुबह तक क्लियर हो जाएगा, जिसकी वजह से आज हमें ये डिटोर लेना पड़ा। आज ये छोटा सा माइनर सेटबैक हमें लगा है सिक्किम के बॉर्डर को टच करते ही, अब सारा प्लान जो है हमारा एक दिन पीछे हो गया है। तो विल फिगर आउट टुमारो कि कैसे करना है आगे और क्या आइटनरी में हमें चेंज करने पड़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज ब्लॉग। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग टुडेज एपिसोड डू लेट अस नो इन द कॉमेंट सेक्शन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, टिल देन कीप मंचिंग, कीप ट्रैवलिंग।